कैसे हो मेरे चटोरो? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे। अगर आप व्रत में हैं और साबूदाने के बड़े के शौकीन हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे साबूदाने के बड़े हैं कितने सॉफ्ट और कितने लजीज दिख रहे हैं। साबूदाने के बड़े के साथ में अगर आपको टमाटर की चटनी मिल जाए तो सोने पे सुहागा के समान है। हाँ हाँ, जानता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, तो इंतजार खत्म करते हैं और चलिए बड़े बनाने की प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि आखिर हम घर पर आसानी से इस प्रकार के बड़े कैसे बनाएं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम आधा किलो साबुदाने के बड़े बनाएंगे। बड़े बनाने के लिए हमको 700 ग्राम आलू को अच्छी तरीके से पका लेना है। इतने पके होने चाहिए कि हाथों से तोड़ने पर आपके आलू टूट जाएं। दोस्तों 500 ग्राम पके हुए लाल लाल टमाटर लेना है। इसमें हम टमाटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम टमाटर की चटनी भी तो बनाना है। फिर दोस्तों हमें हरी धनिया की पत्ती लेना है। धनिया की पत्ती को अच्छी तरीके से बारीक काट लेना है और तीखा पसंद है तो इसमें हरी मिर्च भी आपको काटनी ही पड़ेगी। फ्लेवर के लिए हम इसमें एक चम्मच जीरा और कुछ मात्रा में मीठी नीम की कुछ पत्तियों को ले लेंगे। स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक मिला सकते हैं। 500 ग्राम साबुदाने को हमने 4 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख दिया था, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे साबुदाने कितने अच्छे तरीके से भीग गए हैं। आप अपने हाथों से मसल कर भी देख सकते हैं कि कितने मस्त लग रहे हैं। दोस्तों इसमें हम 100 ग्राम मूंगफली ले रहे हैं। इसको हम तवे पे रख करके अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना, इतने कि वो रोस्ट भी हो जाए और जले भी नहीं। फिर दोस्तों जब यह रोस्ट हो जाए तो ठंडे होने के बाद इसको हम मिक्सी की सहायता से हल्का हल्का ग्राइंड कर लेंगे। इतना ग्राइंड करना है कि जो चूर्ण फॉर्मेट में ना आ जाए बल्कि थोड़ा बिरला रहे। गैस को तेज करें और उसमें रिफाइंड ऑयल डालें जिससे यह आपका रिफाइंड गर्म हो जाए। जब तक चलो हम अब बड़े का मसाला मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों पहले हम आलू में बारीक किए हुए मूंगफली को डाल देंगे, फिर इसमें हम भीगे हुए साबुदाना को डालेंगे। साबुदाने को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मसलेंगे जिससे हमारे आलू और साबुदाने आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। जब आपके साबुदाने और आलू आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, तब आपको इसमें स्वाद अनुसार नमक और जो एक चम्मच आपने जीरे लिए थे उसको भी इसमें डाल देवे। मीठी नीम की पत्तियां, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई धनिया भी सभी को इसमें डालने के बाद आप पुनः अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेवे। दोस्तों अब आप पाएंगे कि आपका तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। गैस के चूल्हे में को आपको अब मीडियम फ्लेम में रखना है और बड़े डालना शुरू करना है। बड़े बनाने भी बहुत आसान होते हैं। थोड़ा सा पानी अपने हाथों पे लगा लें, फिर उसके बाद गोल गोल बना लें। उसके बाद आप हल्का सा उसको दोनों तरीके से दबा दें। ज़्यादा मात्रा में आपको दबाना नहीं है, थोड़ी मात्रा में आप इसको दबा दें तो आपके बड़े बन जाएंगे। ज़्यादा मात्रा में आपको तेल में बड़े नहीं डालना है। एक बार में आप 5 से 6 बड़े डाल सकते हैं। धीमी धीमी आंच में पकने दें। 5 मिनट में आप अपने बड़ों को पलटते रहें क्योंकि अगर आप एक ही साइड पर पकने देंगे तो ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। एक बार में घने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है बड़े को पकने में। दोस्तों आपके बड़े पक गए हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपके बड़े हल्के गुलाबी रंग के दिखने लगेंगे। जब इनमें गुलाबी रंग की आभा आ जाए तब आपको अपने बड़ों को चम्मच की सहायता से निकाल लेना है। देखा आपने इनकी खनक कितनी प्यारी है, यानी आपके बड़े एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से पक गए हैं। देखने में यह है सच में यार वास्तव में कितने शानदार लग रहे हैं, यानी आपके बड़े खाने का समय आ गया है। अरे नहीं भाई, अभी तो हमें बड़े खाने के लिए टमाटर की चटनी भी तो बनानी है, तो वो भी एकदम आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा तेल डालें, उसमें जीरे हरी मिर्ची का
तड़का लगाएं और अपने टमाटर काट करके उसमें डाल देवें और थोड़ा सा उसमें पानी डाल करके पकने दें। 30 मिनट में पकने के बाद आपकी चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। दोस्तों मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है, मैं तो चला बड़े का लुत्फ उठाने के लिए। आप भी जाइए और इस प्रकार के बना करके खाइए। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को तो ऑल कर ही दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।